सेवन सीटर सेगमेंट काफी पॉपुलर सेगमेंट है भारत में और इस सेगमेंट में कुछ कार्स तो ऐसी हैं जो लगातार टॉप 10 में बनी रहती हैं। साथ ही साथ इसमें बैक टू बैक अपडेट आपको मिलते रहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 बेस्ट सेलिंग 6 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आने वाली कार्स के बारे में जो भारत में अवेलेबल है, साथ ही जून 2024 की उनकी लेटेस्ट एक्सशोरूम प्राइसेस भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर हम कारों से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। 15 पोजीशन पर मारुति सुजुकी इन्विक्टो, 193 यूनिट्स बिकी हैं इसकी। एक प्रीमियम 7 सीटर और 8 सीटर में आने वाली MUV है। यहाँ पर इसमें आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलता है जिसकी वजह से इसका माइलेज काफी ज्यादा आपको मिल जाता है। यानी कि देखा जाए तो नॉर्मली इतनी बड़ी कार में आपको इतना तगड़ा माइलेज नहीं मिलता। 25,05,000 रुपए की एक्सशोरूम प्राइस पर ये अवेलेबल है और 28,72,000 रुपए तक इसकी प्राइस जाती है। 14 पोजीशन पर ह्यूंडे की अल्काज़ार, 944 यूनिट बिके हैं ह्यूंडे अल्काज़ार के। आने वाले कुछ महीनों में इसमें बड़े अपडेट आपको देखने को मिलने वाले हैं। टेस्टिंग चल रही है और अपडेट वर्जन आपका इसी साल लॉन्च किया जाएगा। अल्काज़ार में आपको 6 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। 16,77,000 रुपये से इसकी प्राइस शुरू होती है और इसके टॉप वेरियंट के लिए 21,28,000 रुपये तक जाती है। 13 पोजीशन पर टाटा की सफारी, 1,661 यूनिट बिके हैं टाटा सफारी के। ये 6 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आती है। ये केवल डीजल वर्जन में ही आती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 16,19,000 रुपये से इसकी प्राइस शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट के लिए इसकी प्राइस 27,34,000 रुपये तक जाती है। इसके बाद MG हेक्टर प्लस, 1906 यूनिट बिके हैं और ये 12th पोजीशन पर आ गई है। इसके 6 और 7 सीटर वर्जन वाले वेरिएंट की प्राइस की बात की जाए तो 17,30,000 रुपये से इसकी प्राइस शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट के लिए 23,13,000 रुपये तक जाती है। इसमें आपको पेट्रोल डीजल के साथ साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद टोयोटा की रूमियन 11th पोजीशन पर 1,919 यूनिट के साथ में। ये अर्टिका का ही रिबैच वर्जन है टोयोटा की तरफ से। इसमें आपको 10,44,000 रुपये से इसका बेस मॉडल मिल जाता है और टॉप वेरिएंट के लिए इसकी प्राइस 13,73,000 रुपये तक जाती है। ये पेट्रोल के साथ CNG में भी मिल जाती है। 10 पोजीशन पर आई है रेनो की ट्राइबर, 2,116 यूनिट बिके हैं रेनो ट्राइबर के। यहाँ पर देखा जाए तो एक बजट में आने वाली कॉम्पैक्ट 7 सीटर MUV है। 6,00,000 रुपये से इसकी प्राइस शुरू होती है और 8,98,000 रुपये तक जाती है। इसके बाद टोयोटा की फॉर्च्यूनर 9 पोजीशन पर 2,422 यूनिट्स के साथ में। एक प्रीमियम 7 सीटर SUV है, पेट्रोल और डीजल दोनों में मिल जाती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में। काफी टाइम से कोई बड़े अपडेट इसको नहीं मिले हैं। उम्मीद की जा रही है कि नेक्स्ट ईयर इसको बड़े अपडेट देखने को मिल सकते हैं। 33,43,000 रुपये से इसकी प्राइस शुरू होती है और 51,44,000 रुपये तक जाती है। इसके बाद 8 पोजीशन पर मारुति सुजुकी XL6, 3,241 यूनिट बिके हैं। ये पेट्रोल और CNG दोनों में मिल जाती है। 11,61,000 रुपये से प्राइस शुरू होती है, 14,77,000 रुपये तक जाती है। इसके बाद महिंद्रा XUV700, यहाँ पर इसके 5,008 यूनिट बिके हैं और ये 7th पोजीशन पर आ गई है। महिंद्रा XUV700 में काफी प्रीमियम इंटीरियर आपको मिलता है। इसके 6 और 7 सीटर वर्जन की बात की जाए तो सबसे सस्ता 7 सीटर वर्जन आपको 14,49,000 रुपए की प्राइस पर मिल जाता है, जो पहले काफी महंगा आया करता था। और यहाँ पर रिसेंटली इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लॉन्च किए जाने की बात भी शामिल हो गई है। आने वाले कुछ टाइम में इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आपको लगभग 16,00,000 रुपए की एक्सशोरूम प्राइस पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके टॉप वेरिएंट के लिए इसकी प्राइस 26,99,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद किया कारेन 6 पोजीशन पर, 5,316 यूनिट बिके हैं। इसमें आपको काफी प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं एक बजट सेगमेंट में। 10,52,000 रुपए से इसकी प्राइस शुरू होती है, 19,67,000 रुपए तक जाती है। ये पेट्रोल और डीजल दोनों में मिल जाती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में। 5th पोजीशन पर महिंद्रा की बुलेरो और बुलेरो नियो 8,026 यूनिट बिके हैं। बुलेरो की बात करें तो इसके प्राइसेस को बढ़ा दिया गया है। अब इसकी प्राइस 9,98,000 रुपए से शुरू होती है और 10,91,000 रुपए तक जाती है। इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। वहीं बुलेरो नियो इसका थोड़ा प्रीमियम वर्जन है बुलेरो के मुकाबले। इसमें भी केवल डीजल वर्जन मिलता है, ये भी केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। हालांकि बुलेरो नियो में थोड़ा ज्यादा पावरफुल इंजन मिल जाता है एज कम्पेयर टू बुलेरो क्लासिक। इसकी प्राइस 9,95,000 रुपए से शुरू होती है और 12,16,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाईक्रॉस 4th पोजीशन पर 8,548 यूनिट के साथ में। अगर आपको एक मोस्ट कंफर्टेबल कार लेनी है 7 और 8 सीटर में, बजट की चिंता नहीं है, 22-25 लाख रुपए तक का बजट है, तो आपके लिए इनोवा क्रिस्टा एक शानदार चॉइस हो सकती है।
ये केवल डीजल वर्जन में आती है, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में 19,99,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है और 26,30,000 रुपए तक जाती है। वहीं इसका इनोवा हाई क्रॉस वर्जन आता है, ये केवल पेट्रोल वर्जन में आता है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का भी ऑप्शन मिलता है और केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आता है। इसकी प्राइस 19,77,000 रुपए से शुरू होती है और 30,98,000 रुपए तक जाती है। थर्ड पोजीशन पर आई है वैन सेगमेंट की मारुति सुजुकी को 10,960 यूनिट बिके हैं और ये थर्ड पोजीशन पर आ गई है। इसके 7 सीटर वर्जन के लिए प्राइस 5,61,000 रुपए एक्स शोरूम है। इसके बाद महिंद्रा की स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो एन 13,717 यूनिट बिके हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो को काफी पसंद किया जाता है। स्कॉर्पियो क्लासिक की बात की जाए तो ये केवल डीजल वर्जन में आती है, केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में। यहाँ पर आपको इसकी प्राइस 13,62,000 रुपए एक्स शोरूम देखने को मिल जाती है। वहीं इसका आप टॉप वेरियंट S11 लोगे तो 17,42,000 रुपए का ये आपको पड़ने वाला है। वहीं स्कॉर्पियो एन आती है, ये ज़्यादा प्रीमियम है, पेट्रोल और डीजल दोनों में मिल जाती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर आप 7 सीटर सेगमेंट में देखोगे मिड साइज एसयूवी में तो ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसिंग में आ रही है एज़ कम्पेयर टू देयर कंपटीशन। यहाँ पर देखा जाए तो 13,85,000 रुपये से इसकी प्राइस शुरू हो जाती है। बेस से टॉप तक सब में आपको 7 सीटर वर्जन मिल जाता है और इसके टॉप वेरियंट के लिए 24,54,000 रुपये तक जाती है। देखा जाए तो एसयूवी में 7 सीटर में नंबर 1 पोजीशन पर बन गई है स्कॉर्पियो और ओवरऑल देखा जाए तो 7 सीटर सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी अर्टिगा। 13,893 यूनिट्स बिके हैं और ये एक एमयूवी सेगमेंट की गाड़ी है। पेट्रोल के साथ सीएनजी वर्जन मिल जाता है, सीएनजी पे थोड़ा सा वेटिंग पीरियड भी आपको मिलता है। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में आती है। 8,69,000 रुपये से प्राइस शुरू होती है, 13,03,000 रुपये तक जाती है। सीएनजी के लिए 26.11 kmpl का माइलेज है। ग्लोबल एनकैप में 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग इसको मिली हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो एक फैमिली के लिए एक अच्छी एमयूवी साबित होती है और रोड प्रेजेंस के मामले में भी अच्छी, और भी लास्ट ईयर इसको अपडेट भी दिए गए थे, कॉस्मेटिक चेंजेस में किए गए थे। तो ये थी टॉप 15 बेस्ट सेलिंग 6 और 7 सीटर में आने वाली गाड़ियां भारत की मई 2024 की। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर हम कारों से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। इससे पहले टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार, टॉप 25 बेस्ट सेलिंग एसयूवी, टॉप सेलिंग हैचबैक, टॉप सेलिंग सेडान, सबसे कम बिकने वाली गाड़ियों का वीडियो हमने आपके लिए ऑलरेडी बना दिया है इसी चैनल पर। और संडे को संडे कार न्यूज लेकर के आते हैं हम आपके लिए, जहाँ पर पूरे हफ्ते की सभी बड़ी कार न्यूज को शामिल करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना।